लॉकडाउन की अवधि में विस्तार होने से गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों के बीच निराशा का भाव है, जबकि इस विषम परिस्थिति में भी लोग भूखा न रहे इसको लेकर जिला प्रशासन सहित समाज सेवी संगठन निरंतर प्रयास में लगी है। लगा लीजिए, उसको हाथ में नहीं रखना है, लगा लीजिए, लगेगा तभी वहाँ सामान मिलेगा। देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से असहाय और गरीबों के बीच निराशा छा गई है, लेकिन आमिर जी आप देख सकते हैं कि सरकार जिला प्रशासन के साथ साथ कटिहार के कई सामाजिक संगठनों ने यह मन बना लिया है कि हम किसी को भूखे नहीं रहने देंगे। आज हमें वार्ड नंबर 37 के विनोदपुर एरिया में पावर हाउस रोड से सटा हुआ क्षेत्र है और यहाँ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कर्तव्य वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से गरीब और असहाय लोगों के बीच आज राशन किट का वितरण किया जा रहा है। कई सामग्रियां हैं इसमें, आप देख सकते हैं कि कैसे लोग सुविधाजनक तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अनाज ले रहे हैं। कर्तव्य वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के वॉलेंटियर पदाधिकारी सारे लोग लोगों के बीच राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राशन सामग्री के साथ साथ लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया जा रहा है। इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें फिजिकल डिस्टेंस की भी ज़रूरत है। आमिर जी आप देख रहे हैं कि किस सलीके से जो है राशन किट का वितरण किया जा रहा है। यहाँ ये एक प्रयास किया गया है कि शहर के अलग अलग स्वयंसेवी संस्था एक साथ इकट्ठा हो जाएं और इसमें पीरामल फाउंडेशन की भी जो कर्मी हैं उन सब की मदद से हम लोगों ने क्राउड फंडिंग के माध्यम से, यानी हम लोगों ने नेट पर इस अपने प्रयास के बारे में लिखा कि हम लोग ऐसा चाहते हैं कि यहाँ लोगों को इस लॉकडाउन में काफ़ी जो दैनिक मजदूर हैं या दैनिक जो रोज़ाना काम करने वाले हैं वैसे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये मुहिम आज से ही शुरू हुई है? जी नहीं, ये मुहिम पिछले करीब 5 दिनों से हमारे यहाँ चल रहा है। कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी है और जो शहर के बाहरी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है। और आज जब हम लोगों को मालूम चला है कि इस मोहल्ले में भी जो ऐसे लोग हैं जो ठेला कर्मी हैं या जो घर में काम करने वाली हैं जो अभी लॉकडाउन के कारण घरों में बैठी हुई हैं उन लोगों को राशन किट की बहुत आवश्यकता थी, तो हम लोगों ने कर्तव्य वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो पप्पू चौबे जी हैं अरुण चौबे जी उनके कहने पर हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं और उन लोगों को आज ये राशन किट दिया जा रहा है। अवधि विस्तारित होकर 3 मई हो गई है, तो आगे भी आप लोग इसी तरह से गरीबों और असहायों की सेवा में जुटे रहेंगे? जी, जैसा कि हमने बताया आपको कि ये क्राउड फंडिंग के माध्यम से किया जा रहा है। जैसे जैसे हमारे पास फंड आते जा रहा है हम अपने लक्ष्य का निर्धारण भी बढ़ाते जा रहे हैं और नए क्षेत्रों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों को संसाधन मिल पाएगा हम लोग इसमें प्रयासरत रहेंगे और ये भी अपील करते हैं लोगों से कि स्थानीय लोग भी हमारे साथ आएँ और हमें सहयोग करें और आकर के इसमें मदद करें। मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है, मैं यूनिसेफ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग में भी काम कर चुका हूं और अभी मैं कटिहार में ही परामर्श के रूप में कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूं। थैंक यू। कौन कौन सी सामग्री अभी हम लोग जो है 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो सोयाबीन, 2 मांस, 2 साबुन, 1 kg नमक, तेल इत्यादि का जो लोग गरीब मजदूर लोग भूखे हैं पीरामल फाउंडेशन और हमारे राजीव भैया जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके सहयोग से, प्रशांत जी, पंकज जी सबके सहयोग से हम लोग जो कार्यक्रम जो है कर रहे हैं। इसमें सन ऑफ इंडिया जी अभी 50 लोगों के बीच जो हम लोग किए हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग सेब और केला इत्यादि की अलग व्यवस्था की गई थी। ये अपना परिचय जी, अरुण कुमार चौबे, अध्यक्ष कर्तव्य वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन।